हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्टर रतुल। दोस्तों, आज 13 फरवरी 2023 को स्पार्क सन फार्मा का क्वार्टर थ्री रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। क्वार्टर थ्री रिजल्ट अनुमान से बेहतर आने के कारण स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो अब ये क्वार्टर थ्री रिजल्ट है क्या, कितना आया है, क्या है, ये अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, अभी हम सुनते हैं कि क्वार्टर थ्री रिजल्ट कैसे है और क्या है। कैश कॉल सीरीज आपकी तरफ से पीटी इंजीनियरिंग और महाराष्ट्र सिम्बिस, यहाँ पर रखें नजर। इस बीच स्पार्क सन फार्मा एडवांस फार्मा थीम की आप बात कर रहे हैं। 15 करोड़ के घाटे के सामने कंपनी ने मुनाफा अब पोस्ट किया, तो घाटे से मुनाफे में आगे 10% का स्ट्रेट स्पाइक आते हुए दिख रहा है। बंसल जी, एक बार जरा चार्ट पुल अप कर ले। सन फार्मा एडवांस्ड स्पार्क 208-209 का लेवल, 15-16 करोड़ के घाटे के सामने 10 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिखा है, और इसलिए आप वर्टिकल स्पाइक देख रहे हैं। जैसे ही नंबर्स आए, एक बड़ा बड़ा स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। आई थिंक कुछ वन टाइम फैक्टर भी है जिसकी तरफ से बूस्ट आया है। आय देखिए डबल हो गई है, 62 करोड़ की आय अब 132 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। तो ना ही घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, बल्कि आय भी इनकी डबल आपको होती हुई दिख रही है। तो बड़ा बूस्ट सन फार्मा के लिए इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफे में भी आ गई है। 11 करोड़ के कामकाजी घाटे के सामने करीब करीब 16 करोड़ का कामकाजी मुनाफा भी आया है। चार्ट बंसल जी, स्पार्क बड़े चार्ट में देखें तो नीचे में 190 के अराउंड एक डबल बॉटम लगा हुआ है। राइट, जिस तरीके से आपने बोला कि एकदम स्ट्रेट वर्टिकल स्पाइक आया है, तो लोगों को लेने का मौका भी नहीं मिला है। तो जिनके पास है, बने रहने की राय है, डिप्स में ऐड करें और 212-213 के स्तरों पर नजर रखें। ये एक हर्डल है और मेरा मानना है दीपांशु, ये 212-213 के लेवल ऊपर में टूटेंगे। अब देखना ये है कि आज कल में टूटते हैं, थोड़ा समय लेके टूटते हैं। टूटने के बाद मच अवेटेड बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, तो जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीदारी की राय या तो टिप्स पर है या 212-213 के हर्डल टूटे उसके बाद खरीदें। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 225-228 के लक्ष्य निकल के सामने आते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए स्पार्क सन फार्मा एडवांस। बड़ा एक्शन इस पर आ रहा है। एबिटा लॉस तो दोस्तों, ये थे स्पार्क के क्वार्टर थ्री रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks to watching my video. Goodbye.